और जब वो छोटे छोटे होते थे हम उनको छोटे छोटे रुकसक देते थे, जो वो खाते थे उसमें छोटा सा बैग होता था, वो जो भी गार्बेज उसमें डाल के घर लेके आते थे। पाकिस्तान की सर देखे ना, परवरिश, ये परवरिश की बात होती ना, हम लोग बच्चों को नहीं बोलते बेटा जाओ ये कचरा बाहर रख के आ जाओ, तो यहाँ से सर सही शुरुआत है होती है। जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के एक नवाही इलाके में, जहां पर पूरे शहर का जो है वो कूड़ा करकट यहां पर जमा किया जाता है। तो हम आज से जो एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं उसमें ये है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं या पाकिस्तान के जो भी इस तरह के इदारे हैं, जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और फिर अपने जो पैनलिस्ट होंगे हमारे, जो हमारे साथ जो इंटरव्यू करने वाले होंगे हमारे, उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में ये जो अदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर या इंडिया या दूसरे ममालिक के अंदर ये अदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट जो इदारा है, जो कूड़े को तलफ करने का इनका काम होता है, लेकिन ये तलफ नहीं कर रहा, ये जमा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मीलों दूर, मेरे ख्याल में ये किलोमीटर के हिसाब से एरिया होगा कि जहाँ पर ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और इस वक्त हम कूड़े के ढेर के ऊपर ही खड़े होकर आपको ये बता रहे हैं कि पूरे फैसलाबाद का कूड़ा यहाँ पर जमा किया जाता है, और जमा करके उसको इकट्ठा करके एक साइड पे, जो यहाँ की जो इनकी मशीनरी होती है, पहले वो गली मोहल्लों से इकट्ठा करते हैं, फिर वो एक गाड़ियों में से लाकर यहाँ फेंकते हैं, फिर कुछ जो इस तरह की हैवी मशीनरी है उसके साथ इसको ये इकट्ठा करके आगे फैलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त चारों तरफ ये कूड़े के ढेर हैं हमारे, और कोई इंतज़ाम नहीं यहाँ पर कि इसको कैसे तलफ कैसे करना है। सारे का सारा जो सामान है, सारा का सारा जो कचरा है, वो इधर ही इकट्ठा किया जा रहा है। उसको कोई इनकी प्लानिंग नहीं है कि इसका करना क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर किस्म का कूड़ा यहाँ पर मौजूद है, और ये जो शॉपर या शॉपिंग बैग होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये तलफ नहीं हो सकते, ये कई 100 साल तक भी अगर ऐसे पड़े रहे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये एक तो ये देखें कि यहाँ से गंदगी पूरे शहर के अंदर फैलती है, जरासीम और इस तरह की जो बीमारियाँ फैलती हैं वो इसी जगह से फैलती हैं, लेकिन मुझे कुछ इस तरह का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई प्लानिंग ऐसी नज़र आ रही है कि जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट है तो इसको मैनेज क्या कर रहे हैं। मैनेज तो नहीं कर रहे, ये तो इसको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर करके रख रहे हैं। तो हम अब आपको ये दिखा रहे हैं, आप ज़रा अगर आप दिखा सके कि चारों तरफ किस तरीके से इन्होंने जो यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, और बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, और पता नहीं ये कितने सालों से ऐसे ही काम हो रहा है। हमारी तो अब नज़र पड़ी है यहाँ पर, हमने देखा है कि ये आखिर ये जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट है, ये कैसे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये मैनेज तो नहीं हो रहा यहाँ पर, इसको तो इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा कर करके फेंक रहे हैं, और इसका कोई इन्होंने सद्देबाब नहीं किया। कुछ इस तरह की मशीनरी या प्लांट जो होता है कि इसको कैसे इसको तलफ किया जाए, या इसको रीजनरेट करने का भी कुछ प्लांट होते हैं कि ये इस कूड़ा करकट से कुछ ममालिक में बिजली भी बनती है, कुछ ममालिक में इसमें काम होता है कि इसको जो किस तरीके से इसको तलफ करना है या इसको क्या इसका हल होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा हमें सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सिस्टम ये है कि कूड़ा लाया जाता है, यहाँ से लाकर फेंका जाता है, और फिर वो हैवी मशीनरी के साथ उसको आगे फैला दिया जाता है, और ऐसे के ऐसे पड़ा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है जानवर ही फिर रहे हैं यहाँ पर, और कुत्ते बिल्लियाँ इस तरह की जो अपना खाना यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। और लेकिन बस्तियाँ हैं पास में, कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं कि या कुछ फैक्ट्रीज मौजूद हैं इस एरियाज़ में, लेकिन मुझे हैरानी हुई है, मुझे दुख हुआ है कि एक पाकिस्तान कहता है कि जी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम तरक्की कर रहे हैं, हम जी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कर देंगे, हम फलां मुल्क को पीछे छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आकर आप देख लें कि ये हालत है पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के अंदर, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो एक इदारा है जहाँ से करोड़ों रुपया मेरे ख्याल में इनका जो है बजट होगा माहाना, लेकिन उनका काम क्या है, उनका काम यह है कि उन्होंने कूड़ा इकट्ठा करना है और यहाँ पर आकर फेंक देना है। उसको कैसे तलफ करना है, उसको कैसे उसका हल ढूंढना है, ये वो काम नहीं कर रहे। मशीनरीज मेरे ख्याल जापान में से इन्होंने कुछ मंगवाई थी इसको मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ कूड़े के बड़े बड़े ढेर नज़र आ रहे हैं।
तो ये आज की हमारी वीडियो, इसके बाद में हम आपसे जो है दीपक कुमार के साथ हम इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे, और उसके साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि यूरोप से भी हमारे जो दोस्त हैं प्रदीप पवार जी, उनसे भी जानेंगे कि इंडिया के अंदर, दीपक कुमार से जानेंगे कि इंडिया के अंदर क्या इसका हल करते हैं, और यूरोप में प्रदीप पवार जी से जानेंगे कि यूरोप के अंदर कूड़े को कैसे ठिकाने लगाया जाता है और जो वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है वो कैसे काम करता है। जी हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान से दीपक कुमार जी किसी तारफ के मोहताज नहीं, और जर्मनी से प्रदीप पवार जी साइंटिस्ट हैं और अक्सर हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो आप दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, आज हम आप दोनों से जानेंगे कि दीपक भाई आपसे हम पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जानेंगे, और प्रदीप सर आपसे हम जानेंगे यूरोप या जर्मनी के बारे में। कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, एक इदारा है, वो यहाँ से पूरे मोहल्ले, गांव, देहात, शहर, गलियों से जो कूड़ा करकट होता है वो इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके हमारे जो मजाफात है वहां पर ले जाकर फेंक देता है। गली मोहल्लों में अक्सर हमारे इतनी सफाई नहीं होती। मैं अगर घर के बाहर अपने बात करूं तो हमारे घर के बाहर अक्सर कूड़ा पड़ा रहता है। हम कहते हैं, जो हमारे जो नुमाइंदगान होते हैं उनको फोन करते हैं कि भाई ये कूड़ा उठवाओ यहाँ से, तो फिर जाके यहाँ उठाया जाता है। कुछ काम अच्छे भी करते हैं कि जैसे ये जो पीछे ईद गुजरी है वहां पर इन्होंने जो जानवरों की आलाइशें होती हैं वो उठाई भी थी, कुछ काम भी किया था, लेकिन मोस्टली जो है हमें देखने को मिलता है कि कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं है। कूड़ा उठाया भी जाता है, उसको इकट्ठा भी किया जाता है, उसको शहर से बाहर फेंका भी जाता है, लेकिन वहां पर एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा होता है। तो मैं पहले तो दीपक जी से जानूंगा कि क्या इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए और इंडिया के अंदर इसका तरीकाकार क्या होता है, इसके वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है वो क्या काम करता है। देखिए, पाकिस्तान में क्या होता है मैं आपको वो बताते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। होता है पाकिस्तान में ये है कि पहली चीज तो किचरा, अगर कराची की बात कर लेते हैं, कराची में सर किचरा जो है ना वो यहाँ की पावरफुल पार्टीज उठाती हैं, यहाँ के माफिया उठाता है, क्योंकि किचरा इज गोल्ड, वेस्ट इज गोल्ड, ठीक है। तो वो अब वो अपने पावर के दम पे और उस पर वो उठा लेते हैं ठेके वगैरह, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा एक जो ठेके जैसे टर्किश कंपनी को या आपकी चाइनीज कंपनी को जो दिए हुए हैं, उनके मुआहदे में लिखा हुआ है कि आपको रोडों से किचरा उठाना, उनके मुआहदे में ये लिखा ही नहीं है कि इस कचरे का करना क्या, आगे बेचना है, कोई वेस्ट एनर्जी करनी है, क्या करना क्या है, लेके जाना है, क्या करना क्या है इसका, ठीक है। डंपिंग का कोई उसके अंदर क्लॉज ही नहीं डाला हुआ, तो वो घूम फिर के उसी के अंदर किकबैक्स जो हमारी आ जाती है। तीसरी चीज सर, जो रोडों का जो इशू है ना, कि कॉमन हम स्ट्रीट्स पे जो देखते हैं वो गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों का मसला है, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट नंबर टू पे, नंबर वन पे लोगों की एटिकेट्स और लोगों का खुद का बिहेवियर है। लेकिन डंपिंग यार्ड्स हो गए, सीवेज प्लांट्स हो गए, पाकिस्तान में देखें सीवेज प्लांट्स भी नहीं है पानी के, हमारा गंदा पानी उठा के ये या तो वो जमीनों पे डाल देते हैं ताकि वो जमीनें फिर 5-10 साल बाद वो किसी काम ना रहे, या घूम फिर के वो वापस उसी नदी में डाल देंगे जो नदी का आगे जाके पानी खेतों में जा रहा है, तो ये भी उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। उसके अलावा आप पानी का कुछ नहीं कर सकते। दूसरा आपका ये रिसाइकलिंग के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में ना, कबाड़ी वाले जो है, ठीक है, वो लेके जाते हैं, कबाड़ी वाले सर कितना कलेक्ट कर लेंगे घर घर से, जब तक कि आपके सेग्रीगेशन प्लांट्स ही नहीं होंगे, ठीक है, तो आपके कबाड़ी वाले कितना रिसाइकिल करवा लेंगे। और दूसरा इधर कंपनियों को भी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं की हुई, एक होता है ना कॉर्पोरेट लॉ, आप कॉर्पोरेट बिजनेस एनवायरमेंट बनाते हैं कि आप भाई रिसाइकिल करो तो हम आपको इतने टैक्स बेनिफिट्स दे देंगे, या आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो तो हम इतने टैक्स बेनिफिट्स दे देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं अब इंडिया की बात करूं, इंडिया में देखें जाहिर सी बात है 2014-15 तक तो यही हालात थे, 15 में फिर ये स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ अक्टूबर में, तो तब से ये थोड़े हालात बदले, लोगों के एटिकेट्स बदले, और
लेकिन गवर्नमेंट इंडिया इतना बड़ा है ना, गवर्नमेंट लेवल पे बदलने के लिए उनको कम से कम 25 साल और चाहिए। लेकिन ये कि काम शुरू हो गया है, उसके कुछ रिजल्ट आ गए, जैसे कि उधर वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट है, जो आपका एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है ना, सब्जी मंडी का, फिश मार्केट का, उसको कंपोस्ट करके खाद बनाई जा सकती है। उसको अलग ले कलेक्ट ही अलग करेंगे। जो आपके हेयर कटिंग्स है उसको आप विग्स, वो विग मेकर्स को वो बाल काट देते हैं नाई की दुकान से खरीद के, ठीक है। ये अभी शुरुआत हुई है, कुछ स्टेट्स में चल रहा है, लेकिन इंडिया में स्टेट्स और यूटीज इतनी है कि वो पूरे इंडिया को कवर करने में 25 साल लग जाएंगे। फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो एनर्जी प्लांट जहाँ पर वेस्ट डाल के जलाया जाता है, और इन तीनों प्रोसेस से पहले जो सबसे पहले किया जाता है वो है सेग्रीगेशन, ठीक है। स्टील अलग करो, लो अलग करो, एग्रीकल्चर कलेक्शन ही अलग होनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर को अगर बाकी किचरों में कलेक्ट करेंगे उसको अलग कैसे करेंगे आप? एग्रीकल्चर अलग हो, फिश अलग होना चाहिए, आपके हेयर सैलून से आपका कचरा अलग कलेक्ट होना चाहिए, और बाकी जो एक घर का कचरा होता है वो अलग अलग कलेक्ट होना चाहिए। जो इंडोर का मॉडल है या सूरत का जो मॉडल है कि वो 3 डस्टबिन अलग अलग कलर की, जो एक चीज है जो बिल्कुल रिसाइकल नहीं होती, एक चीज है जो एक हद तक रिसाइकल होती है, एक आपकी वो नेचुरल चीजें होती हैं। फिर रिसाइकलिंग पे इंडिया में टैक्स रिबेट्स दिए हैं, टैक्स रिलैक्सेशन नहीं है, साल के आखिर में आपको देना है, रिपोर्ट्स जमा करवानी है कि भाई हम लोग इतना रिसाइकिल करते हैं, हमने इतना रिसाइकिल प्रोडक्ट अपने पूरे साल के जितना प्रोडक्शन यूनिट्स किए हैं उसमें इस्तेमाल किए हैं, तो उसके ऊपर जो भी परसेंटेज फॉर्मूला है उस हिसाब से उनको टैक्स रिबेट मिलता है, ठीक है, कंपनियों को। तो ये एक चीज है। फिर इंडिया में अब क्या है कि मल्टीपल एवेन्यूज देखे जा रहे हैं, वेस्ट का भी कितना करेंगे, तो वेस्ट में फिर बायोगैस लेके आए, बायो सीएनजी लेके आए, बायोडीजल लेके आए हैं, बायोमास लेके आए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसी सी जब फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई में काम हो चुका है, एक ही काम हुआ है, लेकिन ये काम अब पूरे इंडिया में होगा। एक जो मॉडल जो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट प्रोटोटाइप, मुंबई का जितना भी गंदा नाले का पानी है उसको इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको वो ट्रीट करते हैं, और वो आगे जाके इंडियन ऑयल और ये सारी कंपनीज को 20 करोड़ का सालाना पानी बेचते हैं साफ करके। That's right. तो ये अब ये स्टार्टिंग हुई है, ये एक एग्जांपल है, ये प्रोटोटाइप था। अब इसके ऊपर क्या है, अब ये हर सारे इंडस्ट्रियल सिटी जितने हैं ना इंडिया के, औरंगाबाद का भी शुरू होने वाला है, जिसका संभाजी नगर रख दिया गया है, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुका है। ढोलेरा और गिफ्ट सिटी वो तो जीरो से बन रहा था, उधर ऑलरेडी है। बेंगलोर का सेंक्शन हुआ था लेकिन अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पता नहीं वो काम करते नहीं करते। हैदराबाद में काम चल रहा है आपका, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका कोलकाता का अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली का मुझे नहीं पता दिल्ली का क्या हालात है, दिल्ली का मुझे लगता है नहीं होगा, लुधियाना का आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, जालंधर का आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका, और राजस्थान और गुजरात में ये किया है कि मैन मेड रिवर्स बना दिए हैं, नदियों को ट्रिब्यूनिट्रीज बना दिए हैं, जहां जहां पानी नहीं है, जहां जहां वाटर बॉडीज नहीं है वहां मैन मेड रिवर की ट्रिब्यूटरीज बना दी हैं, और वहां पर पॉन्ड्स और छोटे छोटे रिजर्वायर बना दिए हैं। तो उससे क्या है, वहां का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगले 15 साल में अगर राजस्थान कुछ ज्यादा हरा हो जाए, या राजस्थान का कुछ हिस्सा हरा हो जाए, वहां से रेगिस्तान चला जाए, वो जमीन में वाटर लेवल बढ़ेगा। उसके बाद जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ऊपर सॉइल ट्रीटमेंट करो, सॉइल ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर खेती कर लो, सिंपल। अगर मैं कुछ आपको स्टैट्स दूं, अच्छा दीपक भाई मैं आपसे, जी 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 आप बोले बोले जी बोले, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैंने वीडियो भी लगाई स्टार्ट में कि 15 से 20 फुट ऊंचा एक दूर से नजर आता है, और बड़ी दूर बड़ा लंबा पहाड़ है कूड़े का ऐसे सारा इकट्ठा किया हुआ है, उसके साथ साथ उसी एरिए में एक वो मैंने वो भी मुझे था एक नाला है, और वो गंदे नाले का जो पानी है वो सब्जियों को दिया जाता है वहां पर, जितनी साथ में फसलें हैं सब्जियां हैं खाते हैं, ये बीमारियां शायद फैसलाबाद में ज्यादा इसी वजह से हैं, ये गंदे नालों का पानी जो खेतों को दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि इसी तरह के कूड़ा जो है इंडिया के अंदर भी इसी तरह, वो तो पॉपुलेशन में हमसे बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा मुल्क है, वहां पर भी इस तरह कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, या उनको खत्म किया
कूड़े क्या है उसको, जैसे आपने बोला रिसाइकलिंग होती है, जो चीजें रिसाइकल नहीं हो पाती उनका वो क्या करते हैं? पर जो चीजें रिसाइकल नहीं होती, ठीक है, उसमें देखें दो चीजें होती हैं। एक आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो बहुत मुश्किल होता है रिसाइकिल करना, वो होते हैं लेकिन उनको करना बहुत कॉस्टली और मुश्किल होता है। दूसरा आपका मेडिकल वेस्ट होता है, मेडी वेस्ट, ह्यूमन ऑर्गन्स और ये आपके जितने केमिकल्स वगैरह होते हैं। तीसरा आपका होता है जो बाकी कचरा हो गया, बाकी कचरे को तो ये वेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है, वहां पर जला देते हैं उसको फर्नस में, उससे बिजली बना लेते हैं। जो आपका ई वेस्ट है, ई वेस्ट पे अभी इंडिया में कम से कम अभी 200+ स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो इसके ऊपर काम कर रही है कि किस तरह कॉस्ट इफेक्टिवली इसको रिसाइकिल किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करना हार्मफुल भी है, मुश्किल तो है लेकिन साथ में थोड़ा हार्मफुल भी है। तो किस तरह किया जाए कि वो हार्मफुल भी ना हो, जो उसके ऊपर काम कर रहा है उसकी सेहत पे भी असर ना पड़े, और वो कॉस्टली भी ना पड़े, वो एफिशिएंट भी हो और जल्दी हो, तो उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। ये जो तीन चीजें होती हैं, ये दो चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। और इसके अलावा देखिए, आपने जो पहाड़ों की बात की, इंडिया में तो ऐसे बहुत से पहाड़ हैं, आप तो छोड़ ही देंगे कितने पहाड़ हैं, लेकिन अब उसमें शुरुआत की है। जैसे कि अभी दिल्ली के आसपास जो जहांगीरपुरी के और ये गुड़गांव की तरफ जो द्वारका जाता है, इधर दो तीन पहाड़ थे, पता नहीं सर कितने मालों के पहाड़ थे। तो नितिन गडकरी ने क्या किया, अभी जो कोई हाईवे बनाया उस हाईवे के अंदर कम से कम 20 लाख टन उसके अंदर कचरा डाल दिया, ठीक है। अब वो ये एक्सपेरिमेंट है, अब वो सक्सेसफुल हो गया। अब नितिन गडकरी ने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी बड़े इंटर स्टेट हाईवे या इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे बनेंगे उन सबके अंदर कचरा डालो। अब वो कचरा डाल, अब वो कचरा अलग अलग किस्म का है, टायर भी कहीं पे टायर डाल रहे हैं, साउथ में टायर डाल रहे हैं, साउथ में ये टायर और केमिकल की फैक्ट्रियां थोड़ी ज्यादा है प्लास्टिक की, ठीक है। स्टील स्लैग जो ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, इधर स्टील स्लैग है क्योंकि उधर स्टील की कंपनी बहुत है, जिंदल, टाटा स्टील वगैरह सब उधर ही है, आयरन माइंस वगैरह, तो वहां पर जो रोड बन रहे हैं उनके अंदर स्टील स्लैग डाला जा रहा है, यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। जिस जिस जगह पे जो जो चीज अवेलेबल है वो उधर रोड के अंदर डाल दो, क्योंकि रोड की जमीन तो सिर्फ जो गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होगी, उसके ना खेती का होना है ना कुछ होना है। अच्छा, उसमें भी एक तरीके से किया, कैसे, दो अगर रोड है ना, रोड की चौड़ाई अगर इतनी है, ठीक है, तो दोनों तरफ दीवारें और बैरियर बना दिए और उसके बीच में कचरा डाला, ताकि वो कचरे, जब कचरा आप दबाते हैं ना तो उसके अंदर गैसेस भी बनती है, मीथेन भी बनता है, पानी भी बनता है, और गर्माइश से वो कचरा फिर पिघलना भी शुरू होता है, तो आसपास की जमीन को खराब ना करे उधर कंक्रीट की दीवारें भी बनाई है पहले, उसके ऊपर कचरा डाल के ऊपर स्लैब डाल के फिर रोड बना दिया ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने सुना दिवेक भाई ने पाकिस्तान कुछ मसाइल बताए और इंडिया कैसे इसमें वर्क कर रहा है, तो आप इस वक्त जर्मनी में हैं, तो जर्मनी में ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी इससे बढ़ती है, पूरी दुनिया का ये मसला है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो इसको यूरोप में या खासतौर पर कैसे किया जाता है? हाँ, दीपिक भाई ने थोड़ा सा एलेबोरेट किया था, पर क्योंकि मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मेरे तो घर से दूर नजर आता पहाड़, काफी जो उन्होंने दूर भी किए हैं, कभी कभी उसमें आग लग जाती है और वहाँ के लोग जो है रहने वाले उनको काफी सफोकेशन भी है, और ये जो सबसे बड़ा जो दिल्ली का जो कचरे कचरे का घर है, जो स्लम्स है, वो आजादपुर में है, तो वो हाईवे है, दिल्ली से आप अगर पंजाब की तरफ जाओ तो आपको नजर आता है, वो सबसे डेंजरस इसलिए है कि जमुना के किनारे पे है, तो उसको वो प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि जमुना का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए लाखों रुपया उन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी लिया है, तो अगर वो जमुना का पानी जो है ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा तो फिर तो दिल्ली में लोग जो है कैडमियम वगैरह से भी बीमार हो सकते हैं, तो ये तो मैं सिर्फ थोड़ा ऐड करना चाहता था। और दूसरा जो दीपिक बेटा ने बोला है उसके बारे में कि वो जो जो स्लैग है और जो गार्बेज जो सड़कों नीचे बिछाया जा रहा है उसका यहाँ पर यूरोप में क्रिटिसाइज हो रहा है कि जो जो गार्बेज है वो कभी ना कभी ग्राउंड वाटर में जा सकता है, या इतना तो हम खुद खोद नहीं कर सकते कि आप टनल बना दें उसमें गार्बेज डालें तो रोड बहुत महंगी हो जाएंगी। तो निजन गडकरी का ऑस्ट्रिया में जब वो था प्रेजेंटेशन, तो उसने उसको समझाने की कोशिश की कि वो रिसाइकल करके
उसको स्मैश करके, तो उसमें एक बिल्कुल जो 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 एपॉक्सी ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो निकाल कर फिर उसको बिछाया जाता है। तो दैट इज अ गुड आइडिया। यूरोप में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कचरा सड़कों के नीचे नहीं जाना जाता। दूसरा जो आपने पूछा, मैं अभी यूरोप को छोड़ के मैं सिर्फ जर्मनी की बात करूंगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। जर्मनी में जो कॉन्सेप्ट है, आप हैरान हो जाओगे कि 1971 में छोटा सा स्टेट है बवेरिया, जहां मेरा हेड ऑफिस भी था, उसके जो राजधानी म्यूनिक है, उसमें सबसे पहले दुनिया का पहला मिनिस्टर बना। ये 1971, तब दुनिया एनवायरनमेंट के बारे में जानते नहीं थे, तो उन्होंने एनवायरनमेंट को एटॉमिक जो सेंटर है उनके साथ जोड़ के एक इन्वेस्ट मिनिस्ट्री बनाई। और वो सिर्फ बवेरिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में एक नंबर थी। उन्होंने उसके ऊपर गाइडलाइंस तैयार की और उसके ऊपर उन्होंने ये जितना भी गार्बेज है, वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको स्टार्ट किया, और ये ओलंपिक होने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। म्यूनिक वाज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, स्टिल सेम ना। और जो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने 1986 में पहला मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर था, वो एनवायरनमेंट का बना। उसके बाद एक रॉस स्टॉफर नाम का आदमी आया था, जो फिर यूरोपियन लेवल के ऊपर उसने फिर यूरोपियन कमीशन के अंदर एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस किया। आजकल वो साउथ अफ्रीका में गया हुआ है। रॉस स्टॉफर को मैं पर्सनली भी 2-3 बार मिला हूँ, बड़ा नाइस आदमी है। इंडिया भी 2-3 बार वो आया था राजीव गांधी के टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर इंडिया और उन्होंने उसका इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो उसको यहाँ पर ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंडर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा है। जैसे दिवीक बेटा ने पहले बोला कि ये माफिया का है, वो इटली में, इटली में बहुत बड़ा माफिया है इसका, जो गार्बेज के ऊपर लड़ाइयां करता है, लड़ते हैं एक दूसरे के, कत्ल होते हैं। और वहां पर अगर सरकार बीच में आती है तो वो 3-3 महीने गार्बेज नहीं उठाते, आप चल नहीं सकते सड़कों के ऊपर। ये हाल जर्मनी का नहीं है, और ना ही स्वीडन का या ऑस्ट्रिया का या और कंट्रीज का ना। तो यहाँ पर गार्बेज जो है या वेस्ट जो है घर का, उसको उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, 5-6 तरह का वेस्ट है। उसमें पेपर है, उसमें उन्होंने ग्लास है, और वो भी 3-3 4-4 रंग के ग्लास हैं, उसको आपने जुदा करना है। और जो घर का जो ऑर्गेनिक आपका जो 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 प्याज टमाटर होते हैं उसका अलग से है। और मेरे पास ही 4 बिन है जो मैं मुझे यूज मुझे वो गवर्नमेंट्स के तरफ से फ्री मिलते हैं, लेकिन उनको ले जाने के पैसे लेते हैं सरकार। मुझे साल के एंड में 300-400 यूरो का खर्चा आता है, और वो चेक करते हैं जब आपका वो लेके जाते हैं, तो कैमरा लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, उसका वेट होता है, उसको चेक करते हैं, फिर वो लोड करते हैं। अगर उसके अंदर अगर वो पेपर वाले में पेपर नहीं है तो आपको लेके नहीं जाएंगे, उस पर वो निशान लगा जाएंगे और कहेंगे भैया इसको आप पूरा अपने गार्डन में नीचे गिराओ और ठीक से बनाओ, तब लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पर जुर्माना टाइप है, जिसमें वो आपकी थोड़ी सी इंसल्ट भी हो जाती है कि आपका वही खड़ा हुआ है भरा का भरा, उसको उठा के लेके नहीं गए। और साल के एंड में वेट के हिसाब से आपको एक इनवॉइस आएगी कि हमने आपका इतना कूड़ा उठाया था। और ये जो काम है ये किंडरगार्टन से स्टार्ट होता है। किंडरगार्टन में बच्चों को जो किंडरगार्टन की टीचर्स हैं वो सिखाती हैं, वो स्टार्ट करती हैं बच्चों को ले जाके, ये प्लास्टिक है और ये यहाँ गिरेगा, ये ग्लास है इसको यहाँ डालना है। तो यानी इस लेवल पर इन लोगों ने बच्चों को एजुकेट किया है, अवेयरनेस बहुत है। और इस अवेयरनेस से आप देख सकते हैं जर्मनी का, बड़े शहर थोड़े बहुत गंदे जरूर होते हैं, जहां मैं रहता हूँ ये 4,000 आदमियों का है, आपको सड़क पे कागज नहीं मिलेगा। तो लोग जो है अगर चॉकलेट भी खा रहे हैं तो जेब में डाल के घर ले आए, या बाहर जाकर कहीं पर उनको गार्बेज का वो बैग मिलेगा उसमें डाल देंगे और वो उठा के। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे मैं जो बताने वाला हूँ, अगर आपका डॉगी है तो आपको सुबह डॉग का बैग लेके जाना पड़ता है, क्योंकि डॉग ने अगर कहीं पर पॉटी कर दिया तो आपको उठानी पड़ेगी। एंड ये अवेयरनेस है, और लोग देखते भी हैं और बोलते भी हैं, अरे वसमाक्स तू, ये क्या कर रहे हो। तो ये इन लोगों ने अवेयरनेस बच्चों के दिमागों में डाल दी है। अब थोड़ा सा लीनियट लोग हो गए, क्योंकि ये सब अरबी लोग आ गए हैं, जिन्हें अपने घर में, घर से तो निकल के टाई लगा के बाहर आके थूकते हैं, है ना। तो वो मेंटेलिटी वाले लोग यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अपनी, उसको ऑर्डनुक्स आप बोलते हैं, वो ग्रीन रंग की यूनिफॉर्म पकड़ के बैठे हैं, वो जुर्माना स्टार्ट कर।
ना, आप हॉर्न नहीं बजा सकते, वो भी एक तरह का इमिशन है। और ये जो इन लोगों ने एक काम किया है, साल के नहीं, हर 2-3 साल के बाद आपको एक एक फॉर्म आएगा, उसके आप लिखना है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। तो उन्होंने हर आदमी के ऊपर 16 किलोग्राम जो है वो आप महीने में एक कूड़ा पैदा करते हो, तो उसकी वो रेशो बनाते हैं, उसके हिसाब से डिपोनीज तैयार होंगी, उसके हिसाब से जो वर्कर काम करने वाले उनकी रिक्रूटमेंट होगी, उसके हिसाब से ट्रक लगेंगे। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे से जाते हैं, और ये इसीलिए इनका जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है वो आई थिंक सबसे आगे तो वैसे साउथ कोरिया जाता है, उसके बाद स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये कंट्री जो आते हैं, उसके बाद बाकी का नाम लगता है। यानी ये 5 जो 4 कंट्रीज में, एक मैं जहाँ जर्मनी में रहता हूँ, इट इज द सेकेंड बेस्ट इन्वायरमेंटल इन केस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जी नहीं सर, आप आपकी इसी बात में तो 2-3 चीजें मैं ऐड कर दूं। अच्छा आपने स्टार्टिंग में चीज बोली ना रोड वाली, वो बात आपकी बिल्कुल सही थी। और इंडिया में जितना रोड रोड में डाला गया है वो सारा प्रोसेस करने के बाद डाला गया है बिल्कुल बिल्कुल कचरा। और दूसरी चीज सर, यूरोप की, अगर मैं स्पेसिफिकली यूरोप की बात करूं तो देखिये सर, यूरोप में जो एनवायरमेंटलिस्ट का मामला है ना वो अलग चीज है, और उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो फिर जॉर्ज सोरोस भी आ जाता है, क्लिंटन कबाल भी आ जाता है, सब आ जाते हैं, और फिर एक वो जो सरदर्द भी आ जाती है, ग्रेटर थंसबर्ग। लेकिन इसके अलावा ईवी मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है, फॉसिल फ्यूल से ज्यादा मुझे ईवी खतरनाक लगती है। आप मेरा इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, मैंने उस पर टेम्पलेट लिखा हुआ है ना, वो इसके बारे में मैंने चिली का एक स्टडी किया था, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ पैसे दिए थे, उसको पढ़ने के बाद हर जो डिस्कशन में बैठने वाले मुझे मुझे कोट करते हैं कि वो डॉक्टर पवार ने ये बोला ये बोला, तो वो कहते हैं नहीं, वो 2006 में था। नहीं देखे वो, मैंने जो लॉकडाउन में देखा ना, 1 महीने में आसमान क्लियर हो जाता है, ओजोन लेयर रिपेयर होना शुरू हो जाती है। ईवी को जब डिपोज करेंगे, जमीन में डालेंगे, मैं निकालने पे जा ही नहीं रहा। जो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास बहुत पानी है उसको निकालने के लिए, डिपोज की बात करते हैं, अगर डिपोज तो करेंगे जमीन में जब डालेंगे लिथियम को, तो लिथियम जमीन में जाके वो काम करेगा जो न्यूक्लियर बम करता है नागासाकी और हिरोशिमा में हजार हजार साल तक, और उसका कोई तरीका नहीं है साफ करने का। फॉसिल फ्यूल का तो तरीका हमें मिल चुका है, 1 महीने का लॉकडाउन लगाओ पूरी दुनिया साफ हो जाएगी, उसका क्या हम निकालेंगे हल? तो नहीं, उसका हल नहीं है। मैं ग्रीन हाइड्रोजन के ज्यादा फेवर में हूँ। और एक चीज जो आपने बिल्कुल कही कि यूरोप में सर लोग है ना, यूरोप इज क्लीन बिकॉज ऑफ देयर मैनरिज्म एंड बिहेवियर एंड एथिक्स। इंडिया में मसला ये कि गवर्नमेंट ने काम तो अभी बहुत शुरू कर दिया है, और ये काम जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे, पर उसका रिजल्ट आपको शायद 2045 या 2047 में नजर आएगा। नई जनरेशन अभी नई है, जो सर बता रहे थे स्कूल में जो बताते हैं सिखाते ही है, वो 3 कलर के बिन होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, मेरे ख्याल से तीसरा ब्लू ही होता है उसके अंदर, वो अब जो चार सिखाते अब हैं अब 4 हो गए। हाँ, अब 4 हो गए वो ऑर्गेनिक का भी लगा दिया उन्होंने। ऑर्गेनिक का। तो अच्छा देवक अभी भाई, जी पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर से जो होती है जो ड्रिप वगैरह या इंजेक्शन या इस तरह की जो वेस्ट होती है, जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो वेस्टेज होता है, उसमें सिरिंज होती हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, और ये ब्लड से लिपटी हुई चीजें होती है ना, उसको इन्होंने एक कैटेगरी सी में डाला। उस कैटेगरी सी को उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रक्स आते हैं उसके ऊपर वाइट रंग का ए लिखा होता है ना, उसकी स्पीड लिमिट अलग से होती है, उसकी हाइजेनिक अलग से होती है, उसके प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं ताकि वो किसी को कोई कॉन्टिमिनेशन ना हो जाए, और उसके लिए स्पेशल बर्निंग प्लांट है। ये पूरे जर्मनी में मेरा ख्याल है 4 हैं, और सबसे बड़ा ब्राउनश्वाइग में है, ये हामबुर्ग के पास, और बाकी जो नॉर्मल जो प्लांट्स हैं वो मेरा ख्याल है तो करीबन 66 के करीब इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसमें ये गार्बेज को बर्न भी करते हैं, उसको रीप्रोसेस भी करते हैं, अगर उसमें फिर चेंजेस भी लाए जाते हैं, प्लास्टिक अगर किसी में गलती भी डल भी गया तो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, कैमरा लेजर के साथ उसको वो उसकी सॉर्टिंग हो जाती है ना, उसकी वो चेंज उसका वो एक्सचेंज वो मैग्नेटिक से निकालते रहते हैं ये सब सामान। तो उसका उन्होंने ऑर्गेनिक का तो हम 100% रिसाइकलिंग हो रहा है, क्योंकि वो सारा खाद में काम आ।
नहीं, इंडिया में भी ऑर्गेनिक का तो आप मान ले 90% अभी भी हो रहा है आज की तारीख में भी। बात रही मेडिकल की, अगर बात करें तो पाकिस्तान में तो फिर मेडिकल का पूरा जाता है और डंपिंग यार्ड में जाता है, कोई हाँ प्रिकॉशन नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल का अलग से डंपिंग यार्ड कोई अलग ही दुनिया के कोने में बना दिया है, उसी डंपिंग यार्ड में बाकी सारे कचरे के साथ मिलके ही उधर जाता है। और अगर मैं इंडिया का बताऊं, वहां पर जो मेडिकल वेस्ट जो होता है उसका इस तरीके से किया है, अब उधर भी इन्होंने उसको भी डिवाइड किया है जो आपके दो चीजों में, एक तो ये आपके हो गए जो रिसाइकल हो सकते हैं मेडिकल चीजें, और एक जो रिसाइकल नहीं हो सकती, जैसे ऑर्गन्स, ब्लड की चीजें हो गई, नीडल्स हो गई, सिरिंजेस हो गए, आपके ग्लव्स हो गए, आपके पीपीई किट्स हो गई, आपके ये हेड गियर जो वो प्लास्टिक का होता है जो बालों को कवर करता है, इन सारी चीजों को ये आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं सारे हॉस्पिटल से, जो वो सामान उठाती हैं और उनको बर्न करती हैं। ठीक है, जो बाकी चीज है जैसे ड्रिप की मेन बोतल, नीचे ट्यूब की बात है, बोतल हो गई, दवाई हो गई, ठीक है, ऐसी चीज है, या इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो यूज किए जाते हैं, ऐसी चीजें वापस उन्हीं कंपनी को दोबारा भेज दी जाती है जिन कंपनी के वो जो जो वो उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर वो उस कंपनी का काम है, अगर वो कंपनी उनको डिस्पोज ऑफ करती है तो उसका रिकॉर्ड उनको ऑडिट में दिखाना है, और अगर उसको रिसाइकिल करती है तो उसका भी ऑडिट दिखाना है कि हमने इतना रिसाइकिल किया, तो फिर टैक्स हाँ रिबेट मिल जाते हैं हाँ उनको। हाँ ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान में तो दीवक भाई इसके बर्तन बनते हैं, इसमें तो आपने शायद आपको इल्म है या नहीं कि यहाँ पर डिस्पोजेबल बिल्कुल बर्तन बिल्कुल बनते हैं इनसे जो मेडिकल वेस्ट होती है, सर, देखें कितना वो नुकसानदेह बर्तन होगा ये? देखें उसको, इसमें भी दो चीजें है ना, मैंने अभी बताया ना, देखें प्लास्टिक दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ जो प्लास्टिक है उसका हम उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, जो दूसरी तरफ प्लास्टिक क्या है वो रिसाइकल हो सकता है। पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं ना बर्तन बनते हैं सर, वो 1% भी नहीं है। आपको बताऊं, कराची में आप हैदराबाद आ जाएं, कराची आ जाएं, मैं आपको लाहौर का दिखा देता हूं, मुल्तान, भावलपुर, कोयटा, यहाँ पर डंपिंग यार्ड में उसी कचरे के साथ जो बाकी जो किस्म का कचरा है उधर ही हॉस्पिटल का कचरा भी लाके फेंक दिया जाता है। और कितनी ऐसी छोटी छोटी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर कुछ, इधर कोई वो नहीं है ना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए, तो इधर तो 2 माले के भी हॉस्पिटल है 4 कमरों के, तो ऐसे हॉस्पिटल तो सर ये इतनी भी जहमत नहीं करते कि डंपिंग यार्ड तक माल भेजें, वो उधर ही गली में काली थैली में डाल के ऊपर वो टायर क्लिप लगाते हैं, टायर क्लिप लगा के उधर गली में, ये भी मैंने होते हुए देखा। अच्छा, आप दोनों से ये मैं जानूंगा कि मैं अभी कराची वहां पर साहल पर गया था, वहां पर मैंने देखा बहुत ज्यादा गंदगी है, वो पानी की लहरें आ रही है, वो नीचे शॉपर्स भी हैं और इस तरह की बोतल भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, और पाँव आपके गंदे होते हैं, बहुत ही अजीब उलझन सी होती है। तो दुनिया के बाकी जो सारे इस तरह के समुंदर हैं, जो साहिल हैं, उनकी क्या पोजीशन, वहां पर सफाई का क्या इंतजाम होता है? पाकिस्तान में तो मुझे कोई इस तरह का नजर नहीं आया। पाकिस्तान में समंदर क्यों है मुझे तो यही नहीं समझ में आया। पाकिस्तान वाहिद मुल्कों का जिसने समंदर पे कमर्शियल एरिया नहीं बनाया, रेजिडेंशियल एरिया बनाया। दुनिया कमर्शियल एरिया समंदर पे बनाती है ताकि कमाए, हमने उधर रेजिडेंशियल बना दिया, डीएचए बना दिए। बात रही इंडिया की, इंडिया में देखें जो पेनिनसुला है ना, तो ये वाला जो पेनिनसुला है ये आधा इंडस्ट्रियल है बाकी आधा मेला है। ठीक है, यहाँ के जो बीच है, पानी की बात नहीं कर रहा, पानी साफ होगा, जो बीच है ना जहाँ पर इंसानों की वो मेला है, लेकिन पहले से तो बहुत साफ है। जो ये साउथ का पेनिनसुला है जो ये ओडिशा से होते हुए नीचे पूरा केरल तक आता है, ये सारे बीचेस आपको साफ सुथरे से टिप टॉप मिलेंगे, ये सारे हाँ, साफ मिलेंगे। ये दीपक की बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी मुंबई चौपाटी में घूमा था, वो भी वहां पर तो पार्टियां लगती हैं, शाम को बीच क्लियर होते हैं, और चेन्नई का बीच तो मैं खुद मैंने वहां सफर किया बैठ के, वहां बच्चे आते हैं खेलने के लिए, और जिन्होंने स्विमिंग करना है वो अपनी बोट पे, वो सब यॉटिंग वोटिंग वही होती है, और अमन दमन और दीव के मैं बीच भी मैंने विजिट किए हैं, कुछ में थोड़ा वो काला आता है, और अगर आप उधर चले जाओ अपने उमेर गांव की तरफ जो अहमदाबाद के पास है, तो वो तो वहां तो फिल्मों की शूटिंग होती है ना, तो गोवा वगैरह देख लीजिए साफ सुथरे हैं, और यहाँ यूरोप में भी जितने भी बीच हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये यहाँ से पैसा खाते हैं, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, इनके इनकी मेन कमाई जो है इस महीनों में, 3 महीनों में सिर्फ बीच से है, स्पेन हो तो ये गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की भी, ऑस्ट्रेलिया के बीचेस तो
दुनिया में सबसे बिजिएस्ट बीचेस में से दो तीन तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, टॉप 10 में तो दो या तीन ऑस्ट्रेलिया के हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में तीन छह ही बड़े शहर हैं टोटल। एक में और छोटी सी भाई मुझे भाई, एक में और जो इंडिया में मैंने जिन वेंडर्स को वर्ल्ड लेवल पे तैयार किया है कि वो ग्लोबल टू लोकल या लोकल टू ग्लोबल प्रोड्यूस करें, उनमें मैंने सबको फोर्स किया था कि आप अपने कंपनी में एक इन्वायरमेंट इंजीनियर को लगाएं, यहाँ पर मस्ट है। मुझे खुद, क्योंकि मैं रेडियो एक्टिव के उसमें थोड़ा था, तो मुझे खुद ये कोर्स करना पड़ा। इसका एक पूरा 4 मॉड्यूल्स थे, मुझे पास करने पड़े और हर 3 साल के बाद मुझे री एग्जामिनेशन देना पड़ता था। उसमें इमिजन, एनवायरमेंट एंड वर्कर सेफ्टी, ये तीनों का एक कोर्स होता है। वो भी लड़की भी उसी में एडमिशन कर रही है। तो ये यहाँ पर मस्ट है, और इसको OHSA के अंदर लाकर इसका ऑडिट होता है, और इसका ऑडिट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो 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 नॉर्म बनाई है वो 18001 की जो नॉर्म है, वो इसके अंदर उसको उन्होंने एडजस्ट किया है। और यूरोपियन कमीशन ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन कमीशन को वो एक अटॉर्नी पावर दी है कि आप रूल बनाएं। उन्होंने 14 रूल्स बनाए जो जिन जिनके जिनके दायरे के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे पोलैंड की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, इटली की है, उनको उन्हीं रूल्स को फॉलो करके अपने 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 पैरामीटर बनाने पड़ते हैं। तो इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है, और लगता है कि, मैं दीपक भाई तो कह रहे थे 20-25 साल लगेंगे, मुझे लगता है कि 10 साल में जो इन्वायरमेंटल बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो ये जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उसके लिए उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में बनाना पड़ेगा। इन जो इन्वायरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी ये भी इकोनॉमी है, इसमें भी देखिए भाई, हजारों जन पाकिस्तान में आप देखें, हम जी, डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि यूरोप के अंदर या इंडिया के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर भी काम होता है। पाकिस्तान के अंदर काम ये होता है कि यहाँ हमारी जो मिनिस्टर होती हैं वो खूबसूरत सी मिनिस्टर लगा दी जाती है। पहले जरताज गुल थी, अब शीरी रहमान लगा दी है। तो ये सिर्फ यही काम होता है कि हमारी मिनिस्टर फीमेल होती है और बस, और कोई काम नहीं होता हमारी इस मिनिस्ट्री में। तो दीपक भाई, इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पर बहुत तकनीकी बुनियादों पर काम होता है, वहां पर इंजीनियर्स होते हैं और साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं। पाकिस्तान में हमें इस तरह की चीज कोई नजर नहीं आती, तो इसमें कसूर के साथ, एक तो आपने बोला कि जी हमारी आवाम भी इतनी अवेयर नहीं है, जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं तो खा पी के वहीं पर चीजें फेंक देते हैं, एक तो ये आवाम का। दूसरा, आप यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि लोगों को मजबूर करे कि इस तरह फाइन करे उनको, अगर कोई इस तरह की खिलाफ वर्जी करता है उसे जुर्माना करे, हैवी जुर्माना करे। तो क्या समझते, किस तरह पाकिस्तान में कैसे ये बेहतरी आ सकती है इस पर? तो लोगों को जुर्माना करने से पहले तो अपने आप को ही जुर्माना करें। गवर्नमेंट ऑफिसेज कितना वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं? इंडिया में ये भी टारगेट रखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज कितना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगी। गवर्नमेंट का इंटरनल ऑडिट भी चलता है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों हाँ पे बिल्कुल छोड़ बिल्कुल, दिया। वो CO2 का भी उन्होंने लगा दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लगा दिया। और अभी तो ये भी सुनने में आया कि जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स ऑल ओवर इंडिया हैं, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उसके ऊपर सोलर लगाओ और उधर बायोगैस के प्लांट लगाओ या बायोमास के प्लांट लगाओ। बायोमास का सर प्लांट बहुत छोटा आता है, हमारा जितना जनरेटर होता है ना घर में, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो वो चीजें अब ये कर रहे हैं, देखें क्या होता है। देखिए पाकिस्तान में तो देखें किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं है, इधर फिर इन लोगों का इंटरेस्ट हो मुल्क में तो कुछ करेंगे। पहली बात तो कि एक हम बात करते हैं ना, विजन की बात करते हैं, इनकेपेबिलिटी की बात करते हैं। चलो बड़े काम नहीं कर सकते, किचरा तो छोटी सी चीज है यार, ये कोई इतना बड़ा बड़ी साइंस नहीं है। और हम देसी लोग ज्यादा किचरे को हैंडल करने में एक्सपर्ट है कंपेयर टू गोरों से। पर क्या है कि वो सारा दिमाग से निकल गया है ना, कॉलोनियल पीरियड में जो हमारे री इंजीनियरिंग हमारे डीएनए की हुई है, उसका असर अब मैं मिटाने में, और पता नहीं पाकिस्तान का तो मिटता मुझे नजर नहीं आता, इंडिया को मिटता हुआ मुझे नजर आता है, उनका तो मिटता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि कैसे कैसे स्लोली 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 करके पहुंच जाएंगे वो, हमारा तो शुरू ही नहीं हो रहा, हम लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो इंडिया का एलिफेंट है वो चल पड़ा है, और एग्जाम्पल देते हैं कि जो इंडिया का एलिफेंट है, जो डेवलपमेंट का एलिफेंट है, वो चल गया है,
क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, उसको रोकने में टाइम लगता है, वो रुकेगा नहीं अब, ये इन्होंने यहाँ पर बोला जाता है। सर मेरा मैंने भी ये ऐसी एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी मुजफ्फर भाई की जो शुरुआती वीडियोस में, कि इंडिया वो हाथी है ठीक है, जब शेर भी है ना अटैक करने से पहले एक कदम पीछे लेता है, लेकिन हाथी हमेशा सीधा जी, सीधा चलता है, हाथी पीछे नहीं जाता, और वो हाथी नहीं पे शेर भी रुकता। अटैक नहीं करता, हाथी पे शेर भी अटैक नहीं करता, हाथी स्लो चलता है पर जब चलता है तो वो पीछे नहीं होता, तो इंडिया एक वो हाथी आपकी मुजफ्फर भाई, कहलाता। आपने जो बोला ना पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है, वो भी हमारी तरह उनके पास जेहन है, लेकिन उसको स्टार्ट कौन करेगा? यहाँ तो किंडरगार्टन में स्टार्ट किया है कि आपने ऐसे डील करना है। वही बच्चे, अगर मैं कल जेब में चॉकलेट लेके बाहर जा रहा हूँ और मेरी लड़की मुझे बोलेगी पापा ये क्या कर रहे हैं, और जब वो छोटे छोटे होते थे हम उनको छोटे छोटे रुकसक देते थे, जो वो खाते थे उसमें छोटा सा बैग होता था, वो जो भी गार्बेज उसमें डाल के घर लेके आते थे। पाकिस्तान की सर देखे ना परवर, ये परवरिश की बात होती ना, हम लोग बच्चों को नहीं बोलते बेटा जाओ ये कचरा बाहर रख के आ जाओ, तो यहां से सर सही शुरुआत है। होती है। मैं अब आप छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ अपने भाई की, क्योंकि हम तो रोहिणी में रहते हैं, तो वहां पर सरकार ने एक ऐसा कमरा सा बना दिया गार्बेज का, तो वो जो भी आया उठा के वहां फेंक के चला। मेरे भाई ने 3-4 महीने देखा वो चूहे घूमने लग गए, गायें उसके ऊपर आ गई, उसने थोड़ा वो थोड़ा वॉइसी आदमी है तो उसको लोग भी जानते हैं, उसने 4 बंदे इकट्ठे किए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला चलो भाई इसको तोड़ो। अब हंसी की बात यह है, मुझे उसने बोला कहता मुझे कहता प्रदीप वो हमने तोड़ तो दिया लेकिन लोगों को आदत पड़ी हुई थी कि यहाँ पर वो गार्बेज था वहां फेंक के चले गए। उन्होंने चौकीदार को एक को पैसे दिए कि तू रात को यहाँ सोएगा, किसी को फेंक नहीं देगा। तो ये तो किसी को तो कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, अब कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है ना। अब वो गाय गाय जो जो शोले का डायलॉग मैं बहुत बोलता हूँ, हर मोमन जब गाय घास से दोस्ती या घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? तो वहां पर तो पंजाबी में कहते हैं आवा उतया हुआ है, तो जिसका दिल करता है वही काम करता है। उसको आप बोल के देखो कि यार यार भाई ये बात प्लास्टिक की बोतल मत फेंको, करे तेरे बाप का है मैं तो फेंकूंगा, तो नहीं, एक आप एक लड़ोगे चीज, तो एक चीज डॉक्टर साहब या दीवेक भाई, एक चीज ये है ना कि मैं जब बाहर निकलूंगा मैं देखूंगा इधर भी कूड़ा पड़ा हुआ है, इधर भी कूड़ा पड़ा हुआ है, मेरे सामने भी कूड़ा है, पीछे भी कूड़ा है, और मैं चॉकलेट खा रहा हूँ और मैं जेब में डालूंगा तो मैं मुझे अजीब सा लगेगा यार, इधर भी कूड़ा पड़ा है, अगर मैं चॉकलेट फेंक भी दूंगा यहाँ पर तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचते हैं, अगर किसी को बोले भी ना तो हमें कहता है यार देखो ये सारा कूड़ा पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो मैं अब एक इतना सा रैपर जो है वो मैं पॉकेट में डालूं, ये मसला ये भी है ना, या तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जो इसका ख्याल करे, तो पाकिस्तान में तो ख्याल करता ही कोई नहीं है। मैं अब मसला। जहां पर रहता हूं, मैं लोग आपको कल बाहर अपने घर के बाहर के हालात दिखाऊंगा कि दो शॉप्स हैं मेरे घर के बाहर, दो शॉप्स हैं जो करियाने वाले होते हैं ना, वो करियाने वाले से जो बंदा भी चीज खाता है ना वो खा के वहीं पे फेंक देता है, वो जब हवा चलती है वो सारा इकट्ठा होके मेरे घर के गेट के सामने आके गंद सारा पड़ जाता है, सर इतना देखे सारा ढेर देखे लगा होता है, इतना डेली इतना ढेर लगा होता है। मुजफ्फर भाई, इसके अंदर दो चीजें, पहली चीज आपने पाकिस्तान में देखा है जब सुबह को लोग ऑफिस जा रहे होते हैं तो खिड़की खोलते हैं और जहां कचरे का वो अंबार दिखता है तो खिड़की से कचरा फेंक दे देते हैं हाँ चलती हुई गाड़ी से। वो मैं बिल्कुल ठीक बोला आपने, अच्छा अब ये तो ऐसे ही मैं है। इंडिया गया नहीं तो इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो मैंने खुद देखा है नहीं वो तो लोग ये लाठी लेके आ एक। जाते हैं। हाँ दूसरा आपका देखिए दूसरी चीज ये कि ये जो आपने काम बोला ना कुछ लोगों ने चाहिए, ये काम कुछ लोगों से नहीं होगा, ये कुछ वाला हम करके बैठ चुके हैं, और कुछ पे है ना बहुत सारे मिलके हंस के हमें ही गालियां देके चले जाएंगे, ये इस चीज में सही है। आपको ये चीजें आपको बच्चों से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे आने वाली फ्यूचर आज की जनरेशन को नहीं समझा सकते, शायद समझा भी सकते होंगे पर वो कॉस्टली है, उससे ज्यादा आसान बच्चों को समझाना, उनको समझो आने वाली जनरेशन को सीधा करो, इन मैं दीवक बाधाओं दी, को। जी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है और यहाँ पर उन्हें मालूम है कि सितंबर अक्टूबर में पत्ते गिरने लग जाएंगे, क्योंकि ये सारा ब्लैक फॉरेस्ट है, दरख्त बहुत लगे हुए हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे क्या इनका सिस्टम है। अभी से जहां जहां वो बड़ी बड़ी नालियां हैं जहां पर बर्फ का पानी या आएगा उसके ऊपर वो अपनी मशीन घुमा के घास काट रहे हैं। जैसे वो घास सारी कट जाएगी नेक्स्ट कॉलोनी आएगी वो सारे पत्ते निकालेगी,
तीसरी कॉलोनी आएगी वो नालियां जो है मशीनों से साफ कर देंगे और फिर बोलेंगे अब विंटर जैसे मर्जी आए कोई प्रॉब्लम। यहाँ उसके बावजूद भी नेचुरल कैटास्ट्रोफ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी स्वीडन में हुए सब हुए हैं, लेकिन इनका एक सिस्टम है जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया है, उसके लिए इन्होंने बजट बनाए हैं और जो यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक है जिसको म्यूनिसिपल कहते हैं उस लेवल के ऊपर है। अभी मेरे घर के सामने कुछ बात हुई थी तो एक दिन वो कूड़ा उठा के नहीं लेके गए, तो उन्होंने न्यूज में दिया कि वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कोविड की बीमारी की वजह से बहुत सारे ड्राइवर बीमार हो गए थे। तो लोगों ने ठीक है ओके इट्स ओके है ना, ऐसा वो कहते हैं कि और मुजफ्फर भाई जब मैं इस मकान में आया था तो यहाँ पर रिवाज है कि आपने सैटरडे को अपने घर के सामने झाड़ू लगाना है, अपने अपनी अच्छा। गैरेज जहां गाड़ी खड़ी करते हैं अपने झाड़ू लगाना है, और मैं भूल गया, पांच मेरे पड़ोसी मुझे आए खड़काने के लिए कि डॉक्टर साहब आज तो सैटरडे खत्म होने वाला, आप झाड़ू कब लगाओगे। ओहो मैंने कहा यार यहाँ पर मैंने उठाया झाड़ू, मेरे बच्चे साथ देख रहे थे, मैंने वो देख रहे थे कि डॉक्टर साहब झाड़ू लगाते कैसे लगते हैं यानी हो, लेकिन ये पड़ोसियों का है, वो आपके कान खींच देते हैं कि आपके घर या आपने ये क्यों नहीं साफ किया, आपने ये आप हमारे पास सर कान गलत गलत वजहों से खींचे जाते हैं, खींचते इधर भी हैं, वो वजहें गलत होती हैं, किचरा तुमने रखा क्यों, फेंका क्यों नहीं, इधर सारा उल्टा ही किस्सा चलता है। और सर एक चीज जो आपने बस स्टार्टिंग में बात की थी प्रोटोकॉल्स की, जो यूरोप में और जर्मनी में एनवायरमेंटल ऑफिसर्स की बात की, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे इंडिया को जरूरत है जिस लेवल पे जर्मनी में है। जरूरत तो है नो डाउट, 150 करोड़ की आबादी है, पांचवा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है अभी करंटली, और तीसरी पांचवी बड़ी इकोनॉमी भी, और मैन्युफैक्चरिंग वाइज भी पांचवें नंबर पे ही आता है परसेंटेज अगर मैन्युफैक्चरिंग के उठाए, पीपी के हिसाब से तो नंबर थर्ड है जी जी पीपीपी के हिसाब से बिल्कुल नंबर थर्ड है, लेकिन जरूरत है पर उतनी जरूरत नहीं है। उसकी मैं वजह बताऊं कि इंडिया सर आपको पता है दुनिया में टॉप 40 में भी नहीं आता पर कैपिटा वेस्ट प्रोडक्शन में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा पर ईयर के हिसाब से, सॉरी पर डे के हिसाब से 0.30 किलो एक बंदा कचरा पैदा करता है इंडिया में, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड जो है वो परसेंटेज पे चलती है, आप परसेंटेज पे जाएं नंबर पे तो जाएंगे तो नंबर पे जाएंगे नंबर के हिसाब से तो इंडिया में फिर आधी से ज्यादा चीजें बुरी है, क्योंकि वो 150 करोड़ का है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ ना। तो अब जैसे जर्मनी का देखें, इंडिया का 0.34 है किलो पर डे और जर्मनी का है 2.24 किलो पर डे पर बंदा जो वेस्ट जनरेट किया जाता है। और अगर हम जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेस CO2 वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो भी इंडिया का टॉप 15 में भी नहीं आता, 2.3 है पर कैपिटा। यहाँ पर जो जर्मनी में है इनका जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है, यहाँ तो एक मिनिस्ट्री है ना स्टैटिस्टिक्स की, तो वो कहते हैं कि जर्मनी वाले 40 मिलियन टन गार्बेज साल में पैदा कर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियन है यूरोप में वो ऑस्ट्रिया, वो किसी 837 किलोग्राम पर पर्सन है, और जर्मन जो है वो 648 किलो के करीब पर फैमिली पूरे साल में प्रोड्यूस करती है, उसमें से 355-300 वो रिसाइकिल करते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कितनी एम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर के अंदर, और इसमें और भी इम्प्लॉयमेंट होती जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल है अल्यूमिनियम है, उसके लिए तो अलग से उन्होंने बना दिया है। गार्बेज को अपने प्लांट को पूरा करने के लिए जर्मन वाले यूरोप के कंट्रियों से गार्बेज खरीदते हैं, यानी इसलिए इंडस्ट्री ना हो ना। जर्मनी फ्री में खरीद, आपको पता जर्मनी फ्री में ऑलमोस्ट फ्री में, मतलब एग्जैक्टली फ्री में नहीं, ऑलमोस्ट फ्री जैसे रेटों में खरीद के फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंपोर्ट करता है जर्मनी से गार्बेज। ये भी है, ये भी बात है और इसमें एक एक बैड पॉइंट भी है
अभी किसी न्यूज चैनल में दिखाया भी गया था कि फरीदाबाद दिल्ली के आसपास बहुत सारा इलेक्ट्रो शॉर्ट पहुंचा है, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सिस्टम नहीं है उनको निकालने का, क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनियम होता है, तो वो बेचारे गैस से लेके, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टार्ट किया काम बंद करना। इसमें दो चीजें हैं। एक ये बेंगलोर में भी यही मसला हुआ हुआ है, नदी में वो फॉग और ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की वो वजह तो मैं से, देखा है, पर्सनली देखा है मैं। लेकिन उसका काम शुरू हो गया, ठीक है, उसका काम शुरू हो गया और आपको शायद 1-1.5 साल में उधर कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो क्लीन हो जाएगा। इधर वो मसला भी तो तो है ना, यहाँ दिल्ली में नटवर लाल हमारा बैठा हुआ है ना, क्या करें उसका अब। नहीं, वो उसके उसके भी डंडा चढ़ जाएगा। अच्छा देविक, यहाँ पर सॉरी देविक भाई, जो पाकिस्तान में जो लाहौर और कराची, ये बहुत ही ज्यादा आलूदगी वाले अगर जब देखते हैं तो शहर होते हैं, और इंडिया में दिल्ली भी, ये वर्ल्ड टॉप में आते हैं, तो कैसे फिर आप कह रहे हैं कि दिल्ली जो है उसमें काम हो रहा है और हमें नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं, जाता है कि जी दिल्ली में भट्टों काम को नहीं कुछ हो कर रहा। रहे मैंने हैं। कहा नहीं, मैंने वही कहा दिल्ली में काम ही नहीं हो जी रहा, क्योंकि उधर नटवर लाल एक बैठा तो हुआ इस है, पे होना वो चाहिए काम, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? तो कैसे भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? लाहौर को, कराची को, फैसलाबाद भी बहुत ज्यादा इसमें आलूदगी होती है, तो कराची विंटर में पाकिस्तान खास तौर पर स्मोग इतनी होती है कि नजर कुछ नहीं आता। पाकिस्तान में आज फॉग से मुझे एक और अच्छी बात याद है, इंडिया में परेली का जो हुआ हुआ है, अब परेली का उधर क्या है, इंडिया में रेट ज्यादा कर दिया, अब गवर्नमेंट आपको परेली अच्छे कीमतों पे खरीदती है, मतलब जितने में आप अपनी से अगर किलो सब्जी बेच रहे हो ना, तो उसके आधे रेट पे आपसे परेली खरीद लेती है, और वो परेली गवर्नमेंट बोलती है कि हमें लाके दो। गवर्नमेंट ने अपने बड़े बड़े पता नहीं बायोगैस और बायो मीथेन के पता नहीं प्लांट लगा दिए हैं, उधर आसाम में हाँ, भी लगाए हैं, उसमें यूपी मैं में भी दीपक लगाए भाई हैं। थोड़ा ऐड करता हूँ। वो जो पराली है ना, जो जलती है, उसका यहाँ पर एक बायो कंपनी है, उसने मिट्टी में वो पराली में लाकर यहाँ मकान बना रहे हैं, उसकी ईंटें बन रही हैं, वो यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, हाँ इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। ये भी है, लेकिन देखिए पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, सिर्फ कराची एक हमारे लिए इश्यू, क्योंकि कराची साइज में बहुत बड़ा है, बाकी हमारे लिए पाकिस्तान में कोई भी शहर इशू नहीं है, साइज के हिसाब से बात फैसलाबाद में करूं भी है, लाहौर में भी है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, किचरा तो सर पूरे पाकिस्तान में ही है, पर इशू नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब उनपे काम करना बहुत आसान है, 3 साल में रिजल्ट, गवर्नमेंट काम करेगी ना, गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल में रिजल्ट नजर आ जाएगा, लोगों की तरफ से रिजल्ट में शायद टाइम लगे। कराची एक मुश्किल शहर है, कराची में 6 साल भी शायद लग जाए, क्योंकि इधर तो मिसमैनेजमेंट कराची भी में बहुत हुई किस भी चीज है की, सर, कराची पूरी में किस लाइन चीज की ज्यादा जो है पोल्यूशन है? सर, हर कराची में तो हर चीज का पॉल्यूशन है, क्योंकि कराची जो 70% GDP ऐसे ही थोड़ी ना देता है पूरे मुल्क का, अकेला एक शहर, तो इधर हर चीज का पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल भी है तो डोमेस्टिक भी है, मेडिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, आपका वाटर का भी है, और कराची क्या पहले प्लान सिटी था, ट्रैफिक फिर का भी एक्सपेंड बहुत हो, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर एक्सपेंड होता गया, जब एक्सपेंड होता गया तो एक्सपेंशन है ना वो प्लानिंग के थ्रू नहीं हुई, तो कराची एक तरीके से आप समझे जीरो से बनाना पड़ेगा, पाइपलाइनें डलेंगी, रोड बनेंगे, फिर ब्रिज लगेंगे, फिर लाइनें डलेंगी, कराची का काम जीरो से होगा, कराची क्योंकि एक तो बड़ा भी बहुत है ना, उसमें जुगाड़ी काम नहीं कर सकते, लाहौर फैसलाबाद ढंग से बने हुए 2-3 साल काम करेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट में, और उल्टा पैसा देंगे। एक चीज पाकिस्तानियों को ये समझनी है कि अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट पैसा खुद देता है अगर आप तरीके से काम करो तो। सही। और सर मैं आप कुछ थोड़े इंडिया के आपको स्टेट्स भी दे दूं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, इंडिया में 42% इंडिया की एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, वेस्ट और क्लाइमेट चेंज साथ साथ चलता है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, वेस्ट टू कंपोस्ट जो प्लांट्स हैं 2,285 प्लांट्स एक्टिव हैं, 73 अंडर कंस्ट्रक्शन, वेस्ट एनर्जी 6 GW अभी करंटली बन रही है, और 128 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वेस्ट टू एनर्जी के, जो अभी फ्यूचर में बनेंगे, मटेरियल रिकवरी के जो आप समझ लें सेग्रीगेशन प्लांट्स जो होते हैं जहां पर अलग किया जाता है कचरे को लाके, स्टील अलग पेपर अलग है, वो करीब अभी करंटली जो एक्टिव है वो है करीब 2208, 2208, 129 आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्टैंड लोन रिफ्यूज्ड जो प्लांट्स हैं वो 24 हैं,
7,500 प्लास्टिक रिसाइकलर्स, इंडिपेंडेंट प्लास्टिक रिसाइकलर्स है, वो प्लास्टिक की जो गोलियां बनती है ना फार्मास, वो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री से रिसाइकल करके वही गोलियां बना के वो प्लास्टिक कंपनी को बेचते हैं। 312 ई वेस्ट के कंपनीज हैं, 5 कंस्ट्रक्शन की रिसाइकलिंग कंपनीज हैं जो दीवारें और पत्थर को रिसाइकल करना, सीमेंट वगैरह को, स्लैग को। 5 मिलियन बायोगैस प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, 5 मिलियन, 50 लाख हर गांव देहात, कब क्या नगम पंचायत हर जगह पे वो प्लांट डाला जाएगा। उसी लेवल पे जो आपका ये होता है कचरा, रोड का जो कचरा होता है, पेड़ पौधे और खाने पीने का, उधर ही उठा के उधर ही डाला, इतना दूर ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं। और 5 मिलियन टन बायोमास पर ईयर रिसाइकिल किया जाता है, जो कि 32% प्राइमरी एनर्जी यूज के लिए किया जाता है। 72 प्लांट हैं बायोफ्यूल के जो मिल के 650 मिलियन लीटर प्रोड्यूस करते हैं सालाना। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एक्टिव है वो है 101,469, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है 274 अंडर कंस्ट्रक्शन है सीवेज प्लांट्स, और 162 प्रपोज्ड है, तो उनको वो अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। और डैम्स की भी मैं बात कर दूं, क्योंकि डैम रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है, 447 लार्ज डैम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 444 47 बड़े डैम, छोटे डैम की बात नहीं है, छोटे अलग है। अच्छा देवक भाई, मेरे एक जो व्यूवर है उसने एक दफा मुझे एक वीडियो, लाइव वीडियो दिखाई थी जयपुर की, कि जयपुर के अंदर वो गंदे नाले का पानी जा रहा है और वहां पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। वहां पर वो गंदा नाला, जो गंदे वो पानी साफ होके लोग वो पी रहे हैं उसको, वो इतना साफ कैसे हो जाता कि वो पीने के लायक बन जाए? मैं तो हैरान रह गया देख करके, इतना जबरदस्त वो प्लांट वहां पर लगा हुआ सर है। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल तो थर्मल प्लांट को भी आ वो ग्रीन का स्टेटस और लाइसेंस मिल जाता है इको फ्रेंडली का। अब वो क्या पहले बोलते थे ना कोयला माहौल को खराब करता है, लेकिन अगर आप जो कंपनी पैसे खर्च करे ना वो कोयले के प्लांट से बायो प्रोडक्ट्स निकाल लेती है तो वो पॉल्यूशन उतना होता ही नहीं है। कोयले से आपका कोक कोल भी निकल जाता है, आपका मीथेन गैस भी निकल जाती है, सोडा ऐश भी निकल जाती है, बिजली भी बन जाती है। एक ही प्लांट से आप मशीनरी थोड़ी एडवांस हो बड़ी ले लो, जैसे लिंडे है, लिंडे के पास ये टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी में BASF वाले करते हैं, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से वो इंटीग्रेटेड है। तो वो पेट्रोकेमिकल में वैसे ज्यादा पॉल्यूशन होना चाहिए, पर उनका पॉल्यूशन कंपेयर टू अमेरिकन कंपनीज जो डाओ है अमेरिका की है, जो दूसरी है ड्यूपॉन्ट वगैरह, उनसे कम है BASF का। नहीं, बीएसएफ डॉक्टर में, साहब आप ये जो बताइए। बीएसएफ वाले हैं उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छी डील की हुई है। उन्होंने कानपुर का काम उन्होंने किया, कानपुर में लेजर फैक्ट्री होती थी, बहुत गंध होता वो उन्होंने, और मोदी साहब जब जा रहे थे तो यहाँ पर एक गिटलिंग सनोफी ये सब कंपनियों को उन्होंने इन्वाइट किया, तो वो जो गंगा हरि जो का जो पानी जो उसमें आता है उसको भी उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिकल्स है, उसको आयन डीकुंग प्रोसेस बोलते हैं, वो यहाँ बीएसएफ वालों ने उसमें बहुत एडवांस है। और यहाँ पर भी जैसे दीपिक ने बोला, इंडिया में, यूरोप में करीबन पेपर ग्लास ये जो जो पैकेज मटेरियल ये 100% रिसाइकल होता है, और जो चीज नहीं रिसाइकल होती वो यहाँ पर जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उसको देते हैं, वो जला के उससे एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये लोग तो हर बात का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और इसमें इनको फायदा भी ये हुआ है कि जो ये पहले एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ था गार्बेज का ना, उस पे काफी कंट्रोल आया, क्योंकि यूरोप थोड़ा बदनाम हो गया था, अफ्रीका में इनके वो येलो बैग्स पहुंच गए थे, और अभी इनको चैलेंज है, चैलेंज वो इंडिया को बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो प्लास्टिक जो नहीं रिसाइकल हुआ वो आपको ओशन में मिलता है, वो इंडियन ओशन, पैसिफिक, और ये कौन सा दूसरा है, ये अटलांटिक, इसमें तो आप अगर शिप निकले जाता है तो मीलों आपको जो जो प्लास्टिक है वो स्विम कर रहा है उसके अंदर। उसके लिए भी उन्होंने स्टार्ट किया है वो बोट्स बना के उसको पाइप्स के अंदर निकालने का, बट इट विल टेक अनदर ईयर्स, और जितना प्लास्टिक ये अच्छा रिसाइकिल एंड नहीं में कर सकते उतना उन्होंने प्रोड्यूस किया है।
जी डॉक्टर साहब और दिविक भाई, एंड में मुख्तसर आप बता दें कि पाकिस्तान को इस मसले से कैसे निपटना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट जरा बता दें। डॉक्टर साहब पहले आप बता देखिए, दें। जितना ये बड़ा, ये जितना ये वेस्ट मैनेजमेंट का मसला जितना बड़ा इंडिया के लिए है ना, इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को अगर पूरा मॉडर्नाइज और इससे कमाई करना चाहे ना और मैनेज करना चाहे, 7 साल लगेंगे। और 7 साल भी मैं कराची को जहन में रखते हुए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, जो होता है आवाम को टाइम लगता है, वो एजुकेशन सिस्टम है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं और 50 चीजें करनी पड़ती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सख्तियाँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट अगर अपना काम शुरू करे वो 6 से 7 साल में पूरा कर सकती है। इंडिया बड़ा बहुत है, ठीक है, इंडिया को लगेगा टाइम। इंडिया में आवाम भी बहुत बड़ी है तो उसको लगेगा टाइम। इंडिया को आप ये समझें, आप इंडिया को, नहीं, इंडिया में तो देखे ना, वर्किंग स्टार्ट है। इंडिया के लोग तो हमसे ज्यादा अवेयर है, पाकिस्तानी कौन से ज्यादा अवेयर है, वो हमें तो टाइम, हमें आप ज्यादा टाइम 2030 लगेगा। में देख लें। आप, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सबसे ज्यादा रोडों पे जो कचरा इंडिया में होता था ना, वो होता था जो झोपड़ी पट्टी वाले होते थे। झोपड़ी पट्टी वालों को क्या किया, पीएम आवास योजना की वजह से घर दे दिया। तो क्या किया कि अब वो उनका जो कचरा है ना, फॉर्मलाइज हो गया। अभी भी वो सेग्रीगेट नहीं हुआ है लेकिन फॉर्मलाइज हो गया। अब वो प्रॉपर डंपिंग यार्ड पे, सेग्रीगेशन प्लांट्स पे जाता है। अब दूसरा, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कचरा जो इंडिया में करते थे, स्लम्स करते थे, धारावी वगैरह। जैसे धारावी की रीडेवलपमेंट में चला गया, और अभी जो नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसके मुताबिक इंडिया के हर एक स्लम को रीडेवलपमेंट में वो डाल रहा है, पीपीपी पार्टनरशिप के थ्रू। तो अब ये भी एक तरीका है, ये भी एक, वेस्ट को आप कम और कैसे कम करें। मैनेज तो आप कर लेंगे, आप चलो स्लम की सफाई कर रहे हो, आप स्लम वालों को बोलते हो कि भाई स्लम के गेट पे रख दो कचरा, हम उठा के ले जाएंगे डेली, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, कचरा पैदा ही कम हो ताकि उठाना भी कम पड़े। इंडिया के जहन में एक जी ये चीज भी हाँ, चल रही है। तो बहुत शुक्रिया देवक भाई आपका, आपने कीमती वक्त दिया, और डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब इस वक्त उनका, क्योंकि नेट खराब हो चुका है, वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लाइन पर मौजूद नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो गाइड किया। हम इसी सिलसिले को देवक भाई जारी रखेंगे आपके मशवरे के साथ, कि आप हमें जो है वो बताते रहे कि हम देखें, हम अपने पाकिस्तान को भी बेहतर करना चाहते हैं। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे इंडियन व्यूवर हैं उनको भी पता चले कि वो इंडिया के अंदर क्या काम हो रहा है इसके अंदर, और पाकिस्तान इसमें कहाँ तक है, और पाकिस्तान में अगर इसके ऊपर काम हो रहा है, कोई भी फील्ड है उसमें पाकिस्तान किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है। तो ये इसमें सीखने का मौका भी मिलेगा, पाकिस्तानियों को भी सीखने का मौका मिलेगा, और इंडियंस को भी इससे जानकारी मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को डेली की बुनियाद पर दिविक भाई के मशवरे के साथ इसको जारी रखें। तो कल फिर हम देखते हैं किसके ऊपर हम बनाते हैं, पहले एक छोटी सी वीडियो बनाया करेंगे पाकिस्तान में क्या हालात है, और उसके बाद में इंडिया में क्या काम हो रहा है, और बाद में हम ये दिविक भाई से मशवरा इनसे लेंगे कि पाकिस्तान में इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दिविक भाई आपका, थैंक यू, आपकी थैंक यू, कीमती शुक्रिया। जानकारी।